હાય એવરીવન, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટીચ યુ સ્ટાન્ડર્ડ 9 સબ્જેક્ટ હિન્દી, ગ્રામર, વાક્ય તથા વાક્ય કે પ્રકાર. ભાષા મેં, લેંગ્વેજ મેં કઈ સારે ફેક્ટર હોતે હૈ, कई सारे ग्रामर के नियम होते हैं. उस नियम पे चलकर ही हम अच्छा लिख पाते हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसको गुजराती में भाषा की यह भूल, वो हमें नहीं करनी है. कोई भी भाषा का, लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा तब ग्रामर पर पूरा ध्यान दिया जाता है, देना है, तभी हम अच्छे से अपनी भाषा सीख सकते हैं. हम अपनी भाषा सीखें, अच्छा ग्रामर का नियम पालन करें, तो हम आगे चलकर अच्छा लिख सकते हैं. लिखने की मुख्य दो फैक्टर क्या है, दो वजह क्या है, एक शब्द और दूसरा वाक्य. कई सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है और वो वाक्य फुल स्टॉप पे पूर्ण होता है, ये हमने पढ़ा है. अल्पविराम, वाक्य पूर्ण नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा विराम, उसके बाद दूसरा वाक्य जॉइंट होकर वो वाक्य पूर्ण होता है. क्वेश्चन, प्रश्नार्थ चिन्ह, कोई भी वाक्य उसके जवाब की आकांक्षा में दिया है, अपेक्षा में दिया है, तो उसे प्रश्नार्थ वाक्य कहते हैं. ये तीन बहुत ही समझे हुए वाक्य के प्रकार है. आइए हम थोड़ा डीप में जाके थोड़ा वाक्य के प्रकार और वाक्य को अच्छे से समझें कि वाक्य में विचार होना चाहिए. कैसे कि शब्दों को ऐसे व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी की भाव को संपूर्ण व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं. कोई भी वाक्य में संपूर्ण अर्थ निकलना बहुत ही जरूरी होता है. अर्थ के बिना का वाक्य वो वाक्य नहीं कहलाता. जैसे कि भारत की संस्कृति अति प्राचीन है, सभी शब्द में से अर्थ निकलते हैं, इससे वाक्य का विचार कहते हैं. और उसमें वाक्य के प्रमुख तत्व कि पहला सार्थकता. सार्थकता यानी कि अभिप्राय, वाक्य में प्रमुख शब्दों का अर्थवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रत्येक शब्द का अर्थवान होना जरूरी है. अर्थवान न होने का मतलब वाक्य का जो अर्थ है वो बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है. कभी कभी निरर्थक शब्दों का वाक्य में विशेष संबंध बन जाता है. कोई बात एक शब्द में एक बार प्रयोग करने से कभी कभी निरर्थक लगती है, लेकिन दो बार या फिर उसके साथ का शब्द इस्तेमाल करने से वो वाक्य की सार्थकता को बढ़ा देता है. जैसे कि कुछ पानी वानी पी के जाना, एक ही बार हम बोल सकते हैं कि कुछ पानी पीकर जाना, लेकिन यहाँ पानी पानी पीकर जाना यानी कि पानी पीकर जाओ, इस बात पर विशेष जोर डाला गया है. दूसरा उदाहरण, मेरे सामने ज्यादा चू चप्पड़ बनने की कोशिश मत करना. इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि
कोई भी शब्द का विशेष अर्थ से वहां पे होना सार्थकता बढ़ा देता है। फिर आता है योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता का सामर्थ्य होना चाहिए। वाक्य में जो शब्द डाला जाता है, मुका जाता है, उसमें ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो वाक्य के अर्थ को बनाए रखे। योग्यता, मैंने पानी खाया, गलत बात है। छोटा सा बच्चा भी ये बात जान लेता है कि पानी को खाया नहीं जाता, यहाँ खाया योग्य नहीं है। इसके बजाय मैंने पानी पिया, पिया शब्द सारे वाक्य का अर्थ बना देता है, उसका अर्थ विशेष अर्थ से लगा देता है। फिर तीसरा ग यानी आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है कि वाक्य में अपने आप को पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द का कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। जाने की चाहता हूँ, वाक्य में जो चाहिए वो चाहिए ही, जो शब्द चाहिए वो चाहिए ही, जो विराम चिन्ह चाहिए वो चाहिए ही। वैसे ही कोई हमें कहता है कि मैं चाहता हूं, तो हमें जिज्ञासा होती है कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। खाना चाहता है, पीना चाहता है, पढ़ना चाहता है, फिल्म देखना चाहता है, या फिर जाना चाहता है। इसीलिए पढ़ना चाहता है, ये पढ़ना एक आकांक्षा है। वाक्य में जो हमें डालना है वो तो डालना ही है, और योग्य शब्द के बिना वाक्य पूरे नहीं होते। उसके बाद का है ग निकटता। ये सबसे अहम बात है। कोई भी वाक्य है उसे ज्यादा जल्दी बोलने से उसका अर्थ नहीं आता, या फिर उसका अर्थ कम हो जाता है, या फिर कोई भी वाक्य ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने से भी उसका आशय कम पड़ जाता है। बोलने के वक्त हमें वाक्य का प्रयोग कैसे करना है ये बात भी हमें सीखनी है। यंग यानी कि पदक्रम। यंग शब्द आपके लिए थोड़ा शायद नया होगा। क ख ग के बाद यंग आता है, ये यंग है। पदक्रम, वाक्य में जो शब्द है उसका पद अच्छे से होना बहुत आवश्यक है। कोई भी पद, कोई भी शब्द उलट सुलट हो जाता है तब वाक्य का अर्थ बदल जाता है। देखिए, मैंने केवल एक पत्र लिखा है, उसका सीधा अर्थ ये होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल एक पत्र लिखा है। लेकिन पद के उलट सुलट हो जाने से, देखो, केवल एक पत्र लिखा है मैंने, सारे सेंटेंस का, सारे वाक्य का अर्थ यहाँ पे चेंज हो जाता है कि केवल पत्र लिखा है मैंने। मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा और कुछ नहीं लिखा, केवल पत्र लिखा है। और च यानी कि अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया यदि में मेल होना चाहिए, अन्यथा ये वाक्य शुद्ध नहीं किया जाता। जैसे कि
हम खाना खाता हूँ, हम खाना खाता हूँ, कर्ता कारक कर्म सब में मेल नहीं है। सभी शब्दों में मेलजोल होना चाहिए, तभी ये वाक्य शुद्ध कहलाता है, तभी ये वाक्य का अर्थ निकलता है। लेकिन हम खाना खाता हूँ, यहाँ पे हम गलत है। मैं खाना खाता हूँ, मैं करता हूँ, ये वाक्य सही है। ग्रामर के कुछ पहलू होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और ये पहलू और नियम को हमें अच्छे से सीखना है, समझना है। वरना हम बोल तो अच्छे से लेते हैं, लेकिन जब लिखावट की बात आती है तब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ऐसा हमें निवारना है, अटकाना है। और ग्रामर के सभी घटक, वाक्य के सभी घटक हमें अच्छे से पता करना है, अच्छे से समझना है। ये वीडियो का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। ग्रामर के और टॉपिक लेकर मैं आपको इसके बाद के वीडियो में मिलूंगी। तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।